और इधर सोनाली मर्डर केस में आज हरियाणा पहुंचेगी गोवा पुलिस। फ्लैट और फार्म हाउस की करेगी जांच। अकाउंटेंट शिवम पर सबूत मिटाने के आरोप लगे हैं। फार्म हाउस में 10 से 15 सीसीटीवी का डीवीआर गायब। सोनाली फोगाट मर्डर केस में पुलिस की जांच और तेज हो गई है। गोवा पुलिस की टीम दिल्ली पहुंच गई है। जांच टीम सबसे पहले हरियाणा के गुरुग्राम जाएगी, जहां पर वे सोनाली के फ्लैट की तलाशी लेंगे। सोनाली फोगाट का फ्लैट गुरुग्राम में सेक्टर 102 के 4 नंबर टावर में है। फ्लैट का नंबर 902। फ्लैट की सर्च पूरी होने के बाद गोवा पुलिस के अधिकारी हिसार जाएंगे। यहां पर भी सोनाली मर्डर केस को सुलझाने के सुराग जुटाए जाएंगे। अभी तक सोनाली फोगाट हत्याकांड की जांच गोवा पुलिस का पीआई लेवल का अफसर कर रहा था। मामले की जांच में जुटी हरियाणा पुलिस ने भी हिसार पहुंचकर सोनाली के फार्म हाउस से सीसीटीवी और डीवीआर को जब्त किया है। सुअर पालना बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इन्हें देखिए, हजार सुअरों को पाल कर साल में करोड़ों कमा रहे हैं। आपको भी करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। फार्म हाउस में जो 10 से 15 कैमरे लगे हैं, उनका डीवीआर गायब है, जिसका आरोप सोनाली के पीए सुधीर सांगवान पर लग रहा है। इस बीच गुरुग्राम ग्रीन सोसाइटी के सुपरवाइजर का बड़ा बयान भी सामने आया है। उसके मुताबिक 20 अगस्त को सोनाली ग्रीन सोसाइटी भी आई थी, जिससे पुलिस को मामले से जुड़ी अहम जानकारियां भी मिल सकती हैं। और गोवा सरकार ने हरियाणा सरकार से अब रिपोर्ट शेयर की है। 2 कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स हरियाणा सरकार से शेयर करिए जाने को लेकर बड़ी खबर है। गोवा सीएम ने हरियाणा सीएम से ये रिपोर्ट शेयर की है। गोवा डीजीपी ने हरियाणा के डीजीपी से ये रिपोर्ट्स शेयर की हैं। साथ ही गोवा के क्लाइवर्स बार का लाइसेंस भी अब रद्द हो सकता है। सोनाली फोगाट मर्डर केस की जांच के बीच गोवा और हरियाणा में भी समन्वय काफी बढ़ गया है। गोवा की प्रमोद सावंत सरकार ने हरियाणा की खट्टर सरकार से 2 कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट शेयर की है। इसमें से एक रिपोर्ट गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को भेजी है, जबकि दूसरी रिपोर्ट गोवा पुलिस के डीजीपी ने हरियाणा के डीजीपी को भेजी है। गोवा पुलिस की 4 सदस्य टीम सोनाली फोगाट केस की जाँच में जुटी हुई है। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने कहा कि मामले की जांच सही दिशा में चल रही है और हरियाणा सरकार को जो हमने रिपोर्ट भेजी है, हमने उसमें अपनी अब तक की प्रोग्रेस रिपोर्ट भेजी है। आरोपियों का मर्डर का मोटिव क्या था, इसलिए साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, जिसके बाद ही मर्डर केस से पर्दा उठ सकता है। अब गोवा के करलिज बार का लाइसेंस रद्द होने का खतरा भी मंडरा रहा है। खबर के मुताबिक गोवा पुलिस ने चिट्ठी लिखी है। गोवा के करलिज बार में गोवा पुलिस के साथ गोवा टूरिज्म की टीम पहुंची है। गोवा टूरिज्म की टीम करलिज बार के तमाम दस्तावेज की जांच कर रही है, साथ ही बिलिंग रिसिप्ट की तफ्तीश की जा रही है। सुअर पालना बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इन्हें देखिए, हजार सुअरों को पाल कर साल में करोड़ों कमा रहे हैं। आपको भी करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।